Hey guys, my name is Raaj and welcome back to my channel. So guys, आज के वीडियो में मोबाइल से DSLR जैसा बैकग्राउंड को कैसे ब्लर किया जाता है इसके ट्यूटोरियल में लेके आया हूँ. एंड मेरा पिछले वीडियो में बहुत सारा फोटो मैं DSLR से क्लिक किया था एंड आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आया था कि मोबाइल से हम लोग कैसे DSLR जैसा बैकग्राउंड ब्लर को क्रिएट कर सकते हैं. सो हियर्स द ट्यूटोरियल एंड आई होप आप लोग के ट्यूटोरियल पसंद आएगा. एंड अगर कोई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, आपके स्क्रीन पे अभी प्रेजेंटली जो फोटो देख रहे हो ये फोटो मोबाइल क्लिक है. एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो बैकग्राउंड बिल्कुल भी ब्लर नहीं है. तो हम लोग इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन पे ओपन करने वाले हैं एंड स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से हम लोग इसका बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं DSLR जैसा. तो इसके लिए हम लोगों को एडिशनल इस टाइप का और एक फोटोग्राफ क्लिक कर लेना है एंड इस फोटोग्राफ को हम लोगों को स्नैपसीड एप्लीकेशन पे सबसे पहले ओपन कर लेना है. तो स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे लेंस ब्लर ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे लेंस ब्लर का जो सर्कल है इसको छोटा करके यहाँ पे इस कॉर्नर से रखना है. एंड यहाँ पे इसका ब्लर स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम 92, 94 या फिर 100 तक भी रख सकते हो. तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि साइड में थोड़ा सा कॉर्नर पे ब्लर कम है इसलिए हम लोगों को सेंटर पॉइंट में लेके जाके यहाँ पे इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से. सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस फोटो में हम लोगों को ब्लर इफेक्ट मिल चुका है. अभी हम लोग को डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम लोग को पहला वाला फोटोग्राफ को ऐड करना है एंड इसका कैपेसिटी मैक्सिमम तक रखना है. तो कुछ इस तरीके से इसका कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है एंड यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग डन. ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम लोग को इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा. देन व्यू एडिट्स पे जाके डबल एक्सपोजर ऑप्शन को कर लेना है हम लोग को सिलेक्ट. सो गाइस, जैसे कि आप लोग दो एरो देख रहे हो तो अपवर्ड एरो को हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग का सब्जेक्ट जो है फोटो का जो मेन सब्जेक्ट है इसको हम लोग यहाँ से इरेज करके निकालेंगे एंड कुछ इस तरीके से इसको निकालना है. एंड गाइस, नेक्स्ट नीचे जो डाउनवर्ड एरो देख रहे हो तो इसको अगर क्लिक करेंगे एंड इसका स्ट्रेंथ हम लोग को जीरो तक रखना है तो इसको क्लिक करके हम लोग अपना जो ब्लर है बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो इसको क्लिक कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है एंड इसको ऐसे इरेज करते जाना है. मतलब कि इसको पहले तो अपना सब्जेक्ट के साथ बॉर्डर लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेना है ताकि डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाए मतलब सब्जेक्ट के साथ एंड बैकग्राउंड का. तो कुछ इस तरीके से बॉर्डर को यहाँ पे ड्रॉ करते जाना है. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट अपवर्ड एरो को इंक्रीज़ करना है 100 तक एंड यहाँ पे बॉर्डर पे देखना है. बॉर्डर को शार्पनिंग करना है हम लोगों को कुछ इस तरीके से. तो यहाँ का बॉर्डर का जो कॉर्नर है यहाँ पे देखना है. यहाँ पे अच्छे से इसको शार्पनिंग करते जाना है ताकि फ़ोटो में थोड़ा शार्पनेस आए, नहीं तो थोड़ा हेजी सा आ जाएगा तो फ़ोटो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा. सो यहाँ पे बॉर्डर पे ध्यान रखना है ताकि बॉर्डर शार्प हो एंड बॉर्डर जब शार्प होगा फ़ोटो एकदम परफेक्ट आएगा, फ़ोटो देखने में बहुत ही मस्त लगेगा. तो इस बात का ध्यान रखना है. तो गाइस, कुछ इस तरीके से हम लोगों को सब्जेक्ट का बॉर्डर पे ऐसे ड्रॉ करते जाना है. ओके गाइस, सो हम लोग का एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट एंड अभी हम लोग इसको यहाँ से कर लेते हैं डन. सो गाइस, इसका बिफोर एंड आफ्टर लुक आप लोग देख सकते हो. एडिटिंग के बाद फोटो में DSLR जैसा ब्लर इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है. एंड गाइस, इस फोटो को मैं Lightroom से भी रिटच किया हूँ तो Lightroom पे रिटच करने के बाद कुछ इस टाइप का लग रहा है फोटो देखने में. एंड इस ट्रिक को अप्लाई करके आप लोग कोई भी फोटो में DSLR जैसा बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो.
सो गाइस आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। एंड गाइस आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस आज मैं एम करता हूँ 500 लाइक्स का। 500 लाइक्स कंप्लीट होने के साथ साथ मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट कर दूंगा। सो दबा के लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को। और यहाँ तक अगर देख लियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मैं ऐसे फोटोग्राफी रिलेटेड कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। सो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे सबसे पहले फॉलो कर देना मुझे। एंड गाइस आज के लिए इतना रहेगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस आउट।